हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी है, बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं और हम मॉमीज यही सोचती हैं कि बच्चों को ऐसा क्या टेस्टी हेल्दी लंच बॉक्स मिले कि वो लंच बॉक्स फिनिश करके आए। तो इसके लिए मैं लेके आई हूँ स्पेशल किड्स लंच बॉक्स रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बच्चों को क्रीम काफी पसंद होता है, तो आज हम उनके लिए बनाएंगे क्रीम सैंडविच। तो मैंने यहाँ पे बोल में 2 बड़े चम्मच घर का फ्रेश मलाई इस्तेमाल किया है और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे स्मूथ होने तक। क्रीम में ऐड करेंगे कुछ वेजीज, जैसे कि बारीक कटा हुआ 2 बड़े चम्मच खीरा, प्याज, कद्दूकस किया हुआ गाजर और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप यहाँ पर अपने बच्चों के पसंद के हिसाब से सब्जियाँ ऐड कर सकते हो, जैसे कि कैबेज, टमाटो, फ्रेंच बीन्स, स्वीट कॉर्न। और बच्चों को जब क्रीम के साथ वेजेस मिलेगी तो वो इसे मना भी नहीं करेंगे और अपने लंच बॉक्स को काफी एंजॉय करेंगे। और अब हम क्रीम में ऐड करेंगे नमक स्वादानुसार, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और 1 पिंच लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो यहाँ पे हरा मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बारीक काट कर। अपने बच्चों के हिसाब से आप यहाँ पे तीखा ऐड कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। और आप देख सकते हो हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और क्रीम वेजी स्टफिंग बनकर तैयार है सैंडविच में लगाने के लिए। हमने यहाँ पे 2 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। मैं यहाँ पे व्हाइट ब्रेड यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके 1 ब्रेड स्लाइस के ऊपर हमने जो स्टफिंग तैयार की थी उसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे और दूसरे ब्रेड स्लाइस से इसे कवर करके हल्का सा प्रेस कर देंगे। हमने इसे अच्छी तरह से प्रेस कर सेट कर लिया है और आप चाहो तो इसे तवे पे टोस्ट कर सकते हो या सैंडविच मेकर में ग्रिल कर सकते हो। मैंने यहाँ होममेड घी से पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है और अब हम इसके ऊपर ब्रेड सैंडविच को रखेंगे और इसे अच्छी तरह से दोनों तरफ से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक टोस्ट कर लेंगे। बच्चों के डाइट में आप डेली 1 से 2 टेबलस्पून घी जरूर ऐड करें। इससे आपके बच्चों का बोन ब्रेन डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होगा, आपके बच्चों का इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा स्ट्रांग रहेगा और वो बीमारियों से दूर रहेंगे। नेक्स्ट टाइम आप अपने बच्चों को सैंडविच होममेड घी में टोस्ट करके दें, ना कि मार्केट वाले बटर में, जिससे ये काफी हेल्दी लंच बॉक्स बनकर तैयार होगा उनके लिए। और अब मैं इसे 4 छोटे भागों में कट कर इसे लंच बॉक्स में पैक कर दूंगी। मैंने यहाँ क्रीम सैंडविच को कुछ रोस्टेड मखाना और आलमंड्स और फ्रूट योगर्ट के साथ पैक किया है। इस तरह से आप अपने बच्चों को एक कंप्लीट लंच बॉक्स पैक करके दे सकते हैं। सेकेंड रेसिपी है मूंग दाल चीला। मूंग दाल इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और इससे हम बनाएंगे प्रोटीन से भरपूर बच्चों के लिए लंच बॉक्स रेसिपी। मूंग दाल चीला बनाने के लिए आप मूंग दाल को 6 से 8 घंटे या ओवरनाइट सोक कर लें। मूंग दाल अच्छी तरह से सोक्ड होकर तैयार है तो आप इसे 1 से 2 बार साफ पानी से धो लें और इसे एक ब्लेंडिंग जार में ट्रांसफर कर लें। और अब हम ब्लेंडिंग जार में ऐड करेंगे 5 से 6 पीस लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरा मिर्च, अगर बच्चे तीखा नहीं खाते हैं तो आप इसे ना डालें। और इन सारी सामग्रियों को डालकर थोड़ा वाटर ऐड करेंगे और इसे ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से और इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। मूंग दाल को हमने अच्छी तरह से स्मूथ ब्लेंड कर लिया है और इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1/2 छोटी चम्मच खरा जीरा और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। बनाने के लिए हमें इस तरह का बैटर तैयार करना है। आप चाहो तो इसे रात को ही बनाकर फ्रीज में स्टोर कर सकते हो और सुबह बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हो। और अब हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे होममेड पनीर लिया है 3 बड़े चम्मच और उसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च,
और बॉइल्ड कॉर्न। और अब हम मसाले ऐड करेंगे, तो आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। स्टफिंग बनकर तैयार है, तो अब हम चिली बना लेते हैं। गैस ऑन करकर हमने एक पैन चढ़ाया है और उसमें हम एक बड़ा स्पून बैटर का डालेंगे और इसे हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए इसे एक गोल चीला बना लेंगे। पे तेल लगाते हुए हम इसे दोनों तरफ से सेक लेंगे। चीला हमारे दोनों तरफ से सेक कर तैयार है, तो अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच स्टफिंग ऐड करेंगे और इसे रोल कर लेंगे। हमने मूंग दाल चीला को एक बनाना और हरे धनिये की चटनी के साथ पैक किया है। थर्ड रेसिपी है चीज पराठा। तो चीज पराठा बनाने के लिए हमने एक बोल में 3 बड़े चम्मच ग्रेटेड चीज ऐड किया है और इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा शिमला मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब हम यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे, तो हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक। नमक ध्यान से ऐड करें क्योंकि चीज में ऑलरेडी नमक होता है, तो हम काफी कम नमक यहाँ पे डालेंगे। और मिक्स्ड हर्ब थोड़ा सा, अगर आपके बच्चों को पसंद है तो। मैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स नहीं डाल रही हूँ, अगर आपके बच्चे को तीखा पसंद है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हो। और अब आप सारे मिश्रण को अच्छे से एक बार स्पून की हेल्प से मिक्स कर ले। चीज स्टफिंग बनकर तैयार है पराठों में फिल करने के लिए। और हमने यहाँ पे गूंदा हुआ आटा लिया है। इस आटे को गूंदने में हमने आधी छोटी चम्मच नमक, तेल और पानी की जगह पे दूध का इस्तेमाल किया है, जिससे कि ये पराठे और भी हेल्दी और बच्चों के लिए प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होंगे। आप भी वाटर की जगह मिल्क का इस्तेमाल करें डो बनाने में। और अब हम आटे से 2 बराबर लोइयां तोड़ेंगे और उससे 2 रोटियां बनाकर तैयार कर लेते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि हमने 2 बराबर शेप की रोटियां बनाकर तैयार कर ली है। तो अब आप एक रोटी में हल्का सा घी या ऑयल लगाकर इसके ऊपर स्प्रेड कर दें और अब हम इसमें अपनी स्टफिंग ऐड करेंगे। ऐसा करने से स्टफिंग हमारी अच्छे से रोटी में चिपकेगी। अब आप देख सकते हैं कि हमने स्टफिंग अच्छे से किनारों को छोड़ते हुए फिल कर लिया है। तो अब हम किनारों पे हल्का हल्का वाटर लगा देंगे ताकि दूसरी रोटी हमारी अच्छे से चिपक जाए इस पे। और अब हम इसके ऊपर दूसरी रोटी जो हमने तैयार की थी उसे डालकर किनारों से प्रेस करते हुए सील कर लेंगे। और अब आप एक फोर्क की हेल्प से इसके किनारों पे निशान बना दें, जिससे कि अच्छी तरह ये सील्ड भी हो जाएगा और देखने में भी पराठा काफी सुंदर लगेगा। और इसके सेंटर में हम हाथों से प्रेस करके इसे थोड़ा सा बराबर कर लेंगे इस पराठे को। और इस तरह से अगर आप पराठे बनाएंगे चीज के, तो वो पराठे कभी भी नहीं फटेंगे और चीज आपकी बाहर निकल कर नहीं आएगी। गैस ऑन करके एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें चीज पराठा ऐड करेंगे और इसे मीडियम आंच पे हम दोनों तरफ से अच्छी तरह से घी लगाकर इसे सेक लेंगे। पराठे हमारे एक तरफ से सेक कर तैयार हैं, तो इसे हम पलट लेते हैं और इस पे होममेड घी स्प्रेड कर इसे हम दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। बच्चों के लिए घी काफी हेल्दी होती है, तो आप इन पराठों को घी में ही सेकें। और अब मैं आपको एक पराठा स्लाइस को ओपन करके दिखाती हूँ और आप देख सकते हो ये चीज का कितना अच्छा यमी पराठा बनकर तैयार हुआ है। और बच्चों के लंच बॉक्स में ये देने पे ये जरूर फिनिश होके आने वाला है। हमने यहाँ
कैल्शियम प्रोटीन से भरपूर यमी चीज पराठा को टमाटो केचप और एप्पल स्लाइसेस के साथ पैक किया है। फोर्थ रेसिपी है वेजिटेबल पोहा, जिसमें हम ऐड करेंगे बहुत सारी हरी सब्जियां और राइस फ्लेक्स, जिससे कि एक संपूर्ण आहार बनेगा बच्चों के। पोहा बनाने के लिए हम कढ़ाई में 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे, उसमें आधी छोटी चम्मच खड़ा जीरा डालेंगे, आधी छोटी चम्मच मस्टर्ड सीड्स और 10 से 12 पत्ते करी पत्ते के डालकर इसे अच्छी तरह से भून लें। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और उसे भी 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ गाजर, छोटे टुकड़ों में कटा हुआ फूलगोभी और इसे भी हम अच्छी तरह से पका लेंगे। गाजर और फूलगोभी अच्छे से पककर सॉफ्ट हो चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, बॉइल्ड मटर, बॉइल्ड कॉर्न और इन्हें भी 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। सब्जियां फ्राई होती हैं, हम पोहा धो के तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप एक बोल में एक स्ट्रेनर रखें, इसमें 1 कप पोहा ऐड करें और इसमें चारों तरफ से पानी डालते हुए इसे अच्छी तरह से धो लें और इसे 5 मिनट के लिए रख दें। सब्जियां अच्छी तरह से भुनकर तैयार है तो अब हम इसमें नमक स्वादानुसार डालेंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें धुली हुई पोहा को ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस ऑफ कर देंगे। आप वेजिटेबल पोहा को भुनी हुई मूंगफली और अनारदाना डालकर सीजनल फ्रूट्स और बूंदी रायता के साथ अपने बच्चों के लंच बॉक्स में पैक करें। फिफ्थ एंड लास्ट रेसिपी है मैक्रोनी, जो कि बच्चों को काफी पसंद आती है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई में पानी ऐड करेंगे और उसमें आधी छोटी चम्मच नमक और तेल डालकर इसे अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। पानी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे मैक्रोनी। आप यहाँ पर सूजी या व्हीट फ्लावर वाले मैक्रोनी का इस्तेमाल करें, वो ज्यादा हेल्दी होती है बच्चों के लिए। मैक्रोनी को हमें 5 से 7 मिनट कुक करना है, जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। मैक्रोनी अच्छे से कुक होकर तैयार है तो आप इसे एक स्ट्रेनर में ट्रांसफर कर लें और इसे 2 से 3 बार ठंडे पानी से धो लें। अब आप एक कढ़ाई चढ़ाएं, उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करें और उसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालकर भून लें। अदरक लहसुन बच्चों के लिए काफी हेल्दी होता है, वो इन्हें कफ और कोल्ड से दूर रखता है। रफली चॉप्ड अनियंस और कैरेट ऐड करेंगे और इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब हम यहाँ पे कैप्सिकम और मशरूम ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। मशरूम ऐड करने से ये मैक्रोनी काफी हेल्दी बनकर तैयार होगी। 1 बड़े साइज का टमाटो रफली चॉप ऐड करेंगे और इस पे नमक स्वादानुसार और काली मिर्च पाउडर डालकर इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लें, जब तक टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर अच्छी तरह से पककर तैयार है तो अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप, इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें बॉइल्ड मैक्रोनी और इसे भी सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मशरूम मैक्रोनी बनकर तैयार है। अगर आपके बच्चों को मिक्स्ड हर्ब पसंद है तो थोड़ी सी मिक्स्ड हर्ब और ग्रेटेड चीज ऐड करके इसे बच्चों के लंच बॉक्स में पैक करें। मशरूम मैक्रोनी को आप कुछ सैलड्स और सीजनल फूड्स के साथ पैक करें। किड्स लंच बॉक्स रेसिपी अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फीडबैक एंड सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो थैंक यू एंड बाय बाय।